यहाँ भी जैसे आप बैठे हैं वहाँ करुणा बुधवार में, मालिक लोग बनना चाहते हैं, मेरा लोग रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति होने के बाद अब नौकरी कर ले, घर में होती बच्चों के साथ हाय हाय, नाती पोतों से बनती नहीं, दो पीढ़ी का अंतर तो हो जाता, बुध कुमार छोड़ देता, पाखंड विश्वास के मारे पड़ जाता है कि ऐसा हो गया, ये देवी देवता है फलाना ढिकाना उनमें लग जाता है। नमो बुधाय, जय भीम साथियों। आज हम आए हैं महाकरुणा बुद्ध विहार कौशाम्बी भुआपुर में। भंते जी, एक बात बताइए कि जो भंते हैं यहाँ पर बुद्ध विहार के अंदर, कुछ लोग कहते हैं कि ये उस बुद्ध विहार के हैं, ये कुछ कहते हैं उस बुद्ध विहार के, ये मतलब क्या, इसका क्या मामला बताएंगे? ऐसा है, भंते ऐसे जिस बुद्ध विहार पर वर्षावास कर रहे हैं, अब लोगों का सोचना है कि उस बुद्ध विहार पे या इस बुद्ध विहार पे, भंते तो भंते हैं, अब कुछ लोगों की सोच बन गई कि हमारे भंते भी उनके भंते, बौद्ध धर्म गुरु भिक्षु सभी के लिए एक जैसा ही। हाँ, जिस बुद्ध विहार पर रह रहा उस बुद्ध विहार की थोड़ा देखरेख ज़्यादा करेगा, बाकी हमारे लिए सब धार्मिक स्थल हैं। जैसे भी आपने बताया वर्षावास, ये वर्षावास क्या है भंते जी? वर्षावास तथागत बुद्ध के काल से आज दिन तक, क्योंकि उस समय बुद्ध काल में तथागत स्वयं थे जब, तो जो संघ था, अब वर्षा ज़्यादा होती थी तो तथागत ने देखा, तथागत बुद्ध ने जब देखा कि वर्षा ज़्यादा है, घास ज़्यादा पैदा होती, तो भिक्षु जाएंगे तो कहीं कीड़ा भी मिल सकता है, और भी जानवर हैं, तो ऐसा करते इस बारिश के सीजन में भगवान बुद्ध ने कहा 90 दिन आप जिस एरिया में हैं, जिस विहार में हैं, उस समय तो कम ही विहार थे, तो लोग अपने गाँव के किनारे छप्पर भी डाल देते कि भंते जी आप 3 महीना रहिए, वहाँ लोग इकट्ठे होते थे, वहीं धम्मदेशना ध्यान साधना सिखाई जाती थी। अब चलते चलते 2500 साल बाद बहुत सारे बिहार हैं, और अधिक तो बिहार दिल्ली में मैं समझता हूँ 80% बिहारों में बनते ही नहीं हैं, लेकिन जिन बिहारों में बनते हैं वो वर्षावास करते हैं, 90 दिन का पीरियड होता है, हिंदी माह के हिसाब से समझेंगे तो आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर कुंवर की पूर्णिमा समाप्त होता है, और कुंवर की पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक वर्षावास समाप्त होने के बाद शिवरदान की परम्परा होती है। भंते जी, एक चीज़ बताइए, अभी आपने कहा कि 80% बुद्ध विहारों में यहाँ पर भंते नहीं रहते हैं, खाली हैं, तो एक चीज़ हमें बताइए, दिल्ली के जो लोग हैं इनमें से भंते क्यों नहीं बन पाते हैं? देखो ऐसा है, यहाँ भी जैसे आप बैठे हैं वहाँ करुणा बुद्ध विहार में, मालिक लोग बनना चाहते हैं, मैंने जब बोला कि आप भंते बनिए, बच्चे को बनाइए, कुछ दिन के 6 महीना 1 साल के ट्रेनिंग लीजिए, लेकिन भंते बनना खेल नहीं है, बुद्ध के मार्ग पर चलना, बुद्ध को समझना उतना ही कठिन है जितना अपने जीवन को शुद्धि के मार्ग पर ढालना है। भंते जी, एक चीज देखा गया है कि जो जिसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, वृद्ध हो जाते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं बुद्ध विहार में आते हैं मगर वो अपने परिवार को नहीं लाते, ऐसा क्यों भंते जी? जैसे आपने जो बात कही है, ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति होने के बाद अब नौकरी कर ली, घर में होती बच्चों के साथ हाय हाय, नाती पोतों से बनती नहीं, दो पीढ़ी का अंतर, तो किसी किसी के ज़्यादातर पत्नी भी ख़त्म हो गई, तो एक कहावत है हमारे यहाँ तो नहीं है कि नार मरी घर संपत नासी, मूड़ बुढ़ाए बने सन्यासी, ऐसे लोग अधिक हैं, लेकिन वो धमके मारे पर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि 60 साल के बाद का आदमी ना तो 1 घंटा ध्यान कर सकता, न पाली का अध्ययन कर सकता, और न त्रिपटक का अध्ययन कर सकता, जब खुद नहीं होगा उसके पास तो समाज को क्या देगा। और एक चीज़ ये भी देखी गई है भंते जी, कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की वजह से धम्म पीछे हट रहा है, ऐसा क्यों? धम्म पीछे नहीं जा रहा, धम्म ना पीछे गया है, गति भले ही धीमी हो धम्म अपनी गति में चलता है। जैसे आपने देखा होगा साल में सीजन अलग अलग होते हैं, बरसात गर्मी सर्दी, अब सर्दी के सीजन में आप 12 से 2 बजे के बीच में धूप में बैठ सकते हैं, क्या वही गर्मी के सीजन में मई जून में 2 बजे धूप में बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। ऐसी धम्म की प्रक्रिया कभी बहुत तेज़ी में बढ़ता है, कभी गति ज़्यादा, ये मार सेना है, मार माने विकारों की सेना, कोई बंदूक लेकर के नहीं, आदमी के अंदर जो विकार है वो जिसके धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है बुद्ध के मार्ग पर चल सकता, और मार ज़्यादा हावी हो जाता बुद्ध का मार छोड़ देता, पाखंड विश्वास के मारे पड़ जाता है कि ऐसा हो गया, ये देवी देवता है फलाना ढिकाना उनमें लग जाता है
कि मेरा बच्चा पढ़ लग गया तो फला जगह जाएगा, फिर उसे रोज़गार मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं आज दिन तक। भंते जी, मैं एक इच्छी पूछे, वर्षावास में जो हमारे अनुयायी हैं, जो धम्म के अनुयायी हैं, उन्हें और भंते को क्या करना चाहिए? आपकी बात है, भंते का काम है, भिक्षु का काम है वर्षावास में रह करके अध्ययन करना, ध्यान करना, इसके बाद समय पे वंदना होती है और हर रोज कम से कम 10-20 मिनट आधा घंटा धम्म देशना, और जो आसपास उनके उपासक हैं, जो बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले हैं, बाबा साहब के मार्ग पर चलने वाले हैं, उनको डेली बुधवार में चाहे थोड़ी देर के लिए आएँ, धम्म देशना सुने, और चाहे 10 ही मिनट के लिए आनापान सीखें, ध्यान साधना सीखें। इसलिए वर्षावास तथागत बुद्ध ने शुरू किया था कि जो आसपास उपासक ग्रस्त लोग रहेंगे, भिक्षु वहाँ रहेगा, तो धम्म देशना सुनेंगे, बुद्ध के बारे में जानेंगे, और अपने आप के बारे में कब जानेंगे, जब वो ध्यान साधना करेंगे तब। जैसे कि आपने अभी इतने अच्छे विचार सुने हमारे भंते जी के, और भंते जी अब जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे वर्षावास के लिए? वर्षावास के लिए हमारा संदेश, जैसे जो बौद्ध हो चुके हैं उनके लिए तो सीधा संदेश है कि भाई आप कम से कम शाम के वंदना में आइए, वंदना करिए और 10-15 मिनट ध्यान साधना विपश्यना मेडिटेशन का अभ्यास करिए, और जो होना चाहते हैं, और ख़ासकर उन सबको, चाहे वो कोई भी हो, प्रदीप भी क्यों ना हो, भंते को वर्षावास में अपने घर में बुलाना ही चाहिए, जो बुद्ध को या बाबा साहब को समझता है, क्योंकि भंते जब घर जाएगा उसके ना वर्षावास में, तो उसके बच्चे भी देखते हैं कि ऐसे कपड़े वाला कौन आया, तो वो पूछता है कि ये कौन है, तो उसके पति पत्नी बताते कि ये भंते जी हैं, इनका काम क्या है, तो जब नहीं बुलाते लोग ना, तो बच्चे टीवी में देख के वही पाखंडवाद सीखते हैं, क्योंकि 24 घंटा टीवी पे क्या दिखाई देता है, अंधविश्वास फैलाया जा रहा, ऊपर से जा रहा, तो इसलिए मैं प्रत्येक बौद्ध से और जो बुद्ध के मार्ग पर बाबा साहब के मार्ग पर चलता, वर्षावास के टाइम पे कम से कम 3 महीने में कम से कम 3 बार अपने घर में भंते को बुलाना ही चाहिए। साथी, जैसे भी आपने भंते जी के जो विचार हैं आपने सुने, हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप भंते जी को बुलाएं अपने घरों में, जिससे वो धम्म का प्रचार प्रसार कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। नमो बुद्धाय, जय भीम।